हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन की कि वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है। देखो, वेक्टरों को जोड़ने का जो नियम होता है ये सिंपल अर्थमेटिक का नियम नहीं होता है कि सिंपल आप अर्थमेटिक से जोड़ लीजिए जैसे 2+2=4 होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए तरीका क्या होता है, इसके कुछ नियम है, नियम के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसकी कुछ लंबाई है और इसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाया है, क्षैतिज दिशा में बनाया है। और ये वेक्टर बी है, इसकी कुछ लेंथ है और ये मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे बनाया गया है और इन दोनों को जोड़ना है। देखो, जोड़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो ए होता है हॉरिजॉन्टल है तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने एक लाइन खींची जिसकी लंबाई ए का मैग्नीट्यूड के इक्वल है और जिसकी डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में है, खींच ली हमने। इसके बाद जहां से ए का हेड खत्म होता है, एट द लास्ट पॉइंट ऑफ द हेड, वहां से बी की टेल जोड़ी जाएगी, ठीक है। बी हॉरिजॉन्टल से 30 एंगल बनाता है तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल से 30 कैसे बनाए भाई, 30 ऐसे ही बना सकते हैं, ये 30 भी हो सकता है, जी नहीं, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है, घड़ी के चलने की अपोजिट दिशा में। तो हम इधर से 30 बनाते हुए बी को जोड़ देंगे ऐसे, जो भी बी की लंबाई होगी, तो ये दोनों जुड़ गए और जो रिजल्टेंट इनका होगा, जो परिणामी होगा, वो पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड जोड़ देंगे, ये रिजल्टेंट होगा। इसकी वैल्यू होगी ए प्लस बी। ये जोड़ने का तरीका होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे दूं, पी क्यू आर ना दीजिए वरना आर में कंफ्यूज हो जाएंगे, ABC दे दीजिएगा इसको। तो आपने देखा ये एक ट्रायंगल बन गया। तो पहला नियम बता रहे हैं हम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टरों का जोड़ने का त्रिभुज नियम। क्या नियम होता है, देखिए, जो ए एक ट्रायंगल है ABC, AB की जो साइड AB है उसने क्या किया है, AB की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी AB की लंबाई A के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और BC की लंबाई B के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात। दूसरी बात, हम जहां से इसका हेड खत्म होता है वहां से दूसरे की पूंछ पकड़ के आगे बढ़ते हैं तो हम कहेंगे हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। यानी अगर हम इसको बताएं कि व्हाट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप कह सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, टेकन इन ऑर्डर, जरा इस वर्ड को पकड़िएगा, टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है जहां से एक का हेड खत्म हो दूसरे की टेल स्टार्ट हो जाए। जैसे आपने स्पाइडरमैन देखा होगा, वो ऐसे करता है और जहां से एक चीज खत्म होती है वहीं से दूसरे उसका धागा स्टार्ट हो जाता है, तो एक ऑर्डर में चलता है, टेकन इन ऑर्डर। उन्होंने कहा अगर दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट हो इन मैग्नीट्यूड, यानी उस ट्राइंगल के साइड की जो लंबाई है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और उसकी जो डायरेक्शन है वो उस वेक्टर का डायरेक्शन है, अगर दो वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किए जाए देन तब क्या होगा, जो उनका रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड द्वारा रिप्रेजेंट होगा, देन दियर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई थर्ड साइड, बाई थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। यानी उन्होंने कहा कि अगर
कोई दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएं इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिया जाए। एक ऑर्डर का मतलब होता है जहां से इसका हेड खत्म हुआ है वहां दूसरे की टेल स्टार्ट हो जाए, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो थर्ड साइड द्वारा रिप्रेजेंट होता है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखिए नियम यह है कि जहां से इसका हेड खत्म हुआ था वहां से ये हेड खत्म हुआ था, यहां से तीसरा स्टार्ट होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, ये अपोजिट जाके इसके हेड में हेड ज्वाइंट कर दिया, तो ये अपोजिट ऑर्डर हो गया। तो जो थर्ड साइड होगी ये इसका जो इसकी जो लंबाई होगी वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, और ये अपोजिट ऑर्डर में लिया गया है। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं यदि दो वेक्टर को उनके परिमाण और दिशा में दो त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा एक ही दिशा में ली गई भुजाओं के द्वारा या सेम ऑर्डर में ली गई भुजाओं द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो तीसरी भुजा जो कि अपोजिट ऑर्डर में ली गई है वो उसके परिणामी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले समझने की कोशिश करिएगा फिर हम बात करते हैं। देखिए ये पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम को हिंदी में कहते हैं सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, और इंग्लिश में हम पैरेललोग्राम ऐसे बना देते हैं, ये सेकेंड नियम है। देखिए ये दो वेक्टर थे, वही दो वेक्टर भी हम खींच रहे थे, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, इनके बीच एंगल थीटा था, थीटा मान लो 30 मान लो, जो भी आपको मानना हो। देखिए अगर हम वेक्टर ए को ऐसे रिप्रेजेंट करें ए बी के द्वारा और वेक्टर बी को यहां से थीटा एंगल बनाते हुए ये पैरेललोग्राम द्वारा की साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करें ए सी के द्वारा, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, ये हम बार बना देते हैं, इसमें एक बार ऐसे बना देते हैं, ये वेक्टर होता है, एरो बनाइए आप चूंकि जल्दी में हम बना देते हैं। तो दो वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किए गए, ये कहलाती एडजेसेंट साइड्स, संगत भुजाएं, ये एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। किस पॉइंट से खींची गई है, ए पॉइंट से खींची गई है। अब आपको एडजेसेंट साइड बता देते हैं, इस पॉइंट से खींची गई ये दो साइड एडजेसेंट है, इस पॉइंट से खींची गई ये दो साइड एडजेसेंट है, इस पॉइंट से खींची गई ये दो साइड एडजेसेंट है, इस पॉइंट से खींची गई ये दो साइड एडजेसेंट है। मिली हुई जो भुजाएं होती हैं कोई भी दो ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि अगर दो वेक्टर किसी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी उनका परिमाण और उनकी दिशा में दे आर डिनोटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फ्रॉम ए पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट इज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये लैंग्वेज में लिख नहीं रहा हूं, फिर समझिएगा, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम ए पॉइंट, देन द रिजल्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फ्रॉम द सेम पॉइंट, वो डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये वेक्टर को जोड़ने का तरीका होता है। ठीक है, जरा एक पॉइंट समझिएगा, इसी में जरा एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड, अगर मैं इसका नाम डी दे दूं, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, नहीं होगा। अब जरा ट्रायंगल लॉ को देखिएगा, इसके पहले वाले को, ए बी जहां से बी का हेड खत्म हुआ है वहां से बी डी का टेल स्टार्ट हुआ है, तो ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी लिखा जा सकता है, यानी ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी लिखा जा सकता है। ए बी बोले तो ए और बी डी बोले तो बी और ए डी बोले तो आर, अगर मैं ये नियम लगाऊं तो गलत तो नहीं है। ठीक है, जरा इधर आइए, अगर ये ए है तो ये भी तो इसके पैरेलल है, ये भी ए होगा, क्योंकि आप पैरेललोग्राम का नियम जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती है और पैरेलल होती है। जरा इधर से चलिए, अगर मैं इधर से चलूं तो यहां से इसकी हेड ये खत्म हुआ है और यहां से दूसरे का टेल स्टार्ट हो गया है। रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है एक तरफ से चलिए और जहां से हेड खत्म होता जाए दूसरे की पूंछ पकड़ के चलते जाओ, चलते जाओ जब तक पूंछ मिलती जाए, और जब पूंछ खत्म हो गई
कोई दूसरा सर टकरा गया तो वो समझ लीजिए भाई वो रिजल्टेंट है, उससे आप टकरा नहीं सकते। तो अभी इसकी पूंछ मिल रही है, यहां पहुंच गए, अब यहां जाएंगे तो आर का ये हेड टकरा जाएगा, तो अब ये तो भाई इनका बाप है, इसको नहीं जोड़ेंगे, ये रिजल्टेंट होगा। हो जा रहा भाई, आप किसी को किसी की पूंछ ऐंठते रहिए और जहां किसी सर आपको टकरा गया तो वो फिर आपका रिजल्टेंट है, फिर उससे आप सावधान हो जाइए। तो इधर से अगर देखें तो ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि बी प्लस ए इज इक्वल टू आर। इन दोनों इक्वेशंस को देखिए जरा, आप कह रहे हो ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, हम कह रहे हैं बी प्लस ए इज इक्वल टू आर। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी इट फॉलोज कौन सा नियम, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसको हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। तो ये वेक्टर एडिशन के दो नियम हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा है पॉलीगॉन लॉ, अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं तो उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा, तो उनको हम पॉलीगॉन लॉ की बात करेंगे, बहुभुज नियम, वेक्टरों को जोड़ने का बहुभुज नियम। देखिए इन्हें बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि ये वैसे तो कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करते हैं, जहां वेक्टर्स क्वांटिटीज आती हैं किसी न्यूमेरिकल में, जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, उनमें दिक्कत करेगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसको आना चाहिए। देखिए तीसरा नियम है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन तो हिंदी में समझ गए, वेक्टर को जोड़ना, पॉलीगॉन लॉ होता है बहुभुज नियम, यानी वेक्टरों का जोड़ने का बहुभुज नियम की बात करने जा रहे हैं। जरा सावधान, पॉलीगॉन का मतलब होता है कि बंद आकृति होती है, बहुत सारी साइड्स मिलकर के बनती है, यह नियम होता है। देखिए हमें बहुत सारे वेक्टर जोड़ने हैं, हम उन वेक्टर्स को एक पॉइंट पे दिखाते हैं। हमने कहा सपोज करिए एक वेक्टर ए है, इसकी कुछ लंबाई है जो भी है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, एक डी है, एक ई है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है, सो मेनी वेक्टर्स आर देयर। हमने एक पॉइंट पे दिखा दिया उनको, इनको आप अलग अलग दिखा सकते हैं, ए ऐसे दिखा सकते हैं, बी को हॉरिजॉन्टल से इधर दिखा सकते हैं, हमने एक ही पॉइंट पे दिखा दिया, इसको कहा जाता है स्पेस डायग्राम, इसको कहते हैं हम स्पेस डायग्राम। ठीक है, हमने ए को हॉरिजॉन्टल माना, बी को मान लिया कि इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मान लिया, जो भी दिया होगा वो तो क्वेश्चन पे होगा, ये हमने मान लिया 45 डिग्री बना रहा है, ये हमने मान लिया 30 बना रहा है, ये मैंने मान लिया 40 बना रहा है। अब आप कह रहे हैं भाई इसको आप जोड़िए वेक्टर के हिसाब से जोड़िए, जैसा कि नियम होता है हर एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ी जाती है, तो आप किसी को एक को उठा लीजिए, पहले हम उठाएंगे जो क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। देखिए तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप एक खींच दीजिए, ये एक खींच दिया, जो भी उसकी लंबाई होगी, ए से 30 एंगल बनाता हुआ बी खींचा गया है, तो आप क्या करेंगे, ए का थोड़ा सा डॉटेड लाइन बनाइए और यहां से 30 बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, जो भी इसकी लंबाई हो, ये 30 बनाते हुए हमने खींच दिया, ये बी खींच दिया, बी से 40, देखिए बी से 45 बनाएंगे, ए से नहीं, बी से 45 बनाइए, तो बी को थोड़ा डॉटेड आगे खींचा और यहां से 45 बनाते हुए सी खींच दीजिए, ये सी हो गया, कितना एंगल है ये 45 है, सी से 30 बनाते हुए डी खींच दीजिए, ये 30 बनाते हुए हमने डी खींच दिया, डी से 40 बनाते हुए डी से 40 बनाते हुए ई खींच दिया, खींच गया सब, हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल, एक ही ऑर्डर में चले जा रहे हो। जब आप सब खींच ले गए तो पहले वाले के टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला दीजिए, दिस इज योर रिजल्टेंट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मतलब ये सबको जोड़ा नहीं गया है,
इसकी वैल्यू ना जोड़ देना, अगर ये दो है इसकी वैल्यू तीन है, इसकी वैल्यू दो है, इसकी वैल्यू एक है, इसकी वैल्यू तीन है, तो इन सबको जोड़ दीजिए ना, इसकी जो भी लंबाई आएगी दैट इज योर रिजल्टेंट, और जो भी ये एंगल आएगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है। तो इसको कहते हैं वेक्टर को जोड़ने का तरीका। तो दो वेक्टर जोड़ेंगे तो दो नियम है, एक तो ट्रायंगल लॉ है, त्रिभुज नियम है, एक पैरेललोग्राम लॉ है, समांतर चतुर्भुज नियम है, और दो से अधिक वेक्टर जोड़े जाएंगे तो पॉलीगन लॉ है, बहुभुज नियम, यानी बहुभुज की जो साइड्स हैं, जो पॉलीगन के साइड्स हैं टेकन इन ऑर्डर, दे रिप्रेजेंट द वेक्टर्स एंड द फाइनल जो साइड है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये तरीका तो वेक्टर एडिशन का है। अब अगर ये वेक्टर्स को जोड़ना भी हम चाहते हैं लेकिन मैथमेटिकल फार्मूला हम चाहते हैं, यानी हम इसकी जोड़ें या इसकी लंबाई नापें, हमने कहा नहीं हम मैथमेटिकली इसको जोड़ना चाहते हैं, एक फार्मूला चाहते हैं, तो अगला है एनालिटिकल मेथड। ये आपका ज्योमेट्रिकल मेथड है। ये कौन सा मेथड है? ये ज्योमेट्रिकल मेथड से आप जोड़ रहे हैं। अब मैथमेटिकली कोई फार्मूला कैसे आपको मिलेगा समझिएगा। तो अगला है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए एनालिटिकल मेथड, इसको मैथमेटिकल भी कहते हैं। ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन यानी वेक्टरों का जोड़ने का गणितीय विधि बताई है। अभी तो ज्योमेट्री के मेथड से आप कर रहे थे। देखिए ध्यान से, बहुत सावधान हो जाइएगा, इस हेडिंग को उतार लीजिए क्योंकि हम इसको रब करेंगे, ऊपर से थोड़ा लंबी प्रूफ होगा। देखिए ध्यान से, अभी जब आप ट्रायंगल लॉ बता रहे थे, पहला तो ट्रायंगल लॉ हम बताने जा रहे हैं, जब ट्रायंगल लॉ बता रहे थे तो आपने क्या कहा था कि भाई ट्रायंगल की जो साइड्स की लंबाई है वो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। देखो हमने दो वेक्टर ए और बी लिए हैं, उनके बीच एंगल थीटा लिया है। पहला हम लेके चल रहे हैं ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ से प्रूफ करने जा रहे हैं, सावधान। देखिए ये एक वेक्टर था, ये वेक्टर था ए, वैसे तो वेक्टर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी ए है और ये एक साइड ए बी के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, अभी हम बता चुके हैं। इसके बाद दूसरा जो वेक्टर है वो ए बी से थीटा एंगल बनाते हुए, ये ए बी से थीटा बनाते हुए ऐसे, थोड़ा और टेढ़ा कर दीजिए थोड़ा सा अच्छा बनेगा, ऐसे थीटा बनाते हुए ये बी है जो बी सी के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके बीच एंगल थीटा है और ये रिजल्टेंट है, ये जो एसी है वो रिजल्टेंट है। अब ये कह रहे हैं भाई वेक्टर से हमको कोई मतलब नहीं, आप फार्मूला बताइए, इसकी लंबाई ए, इसकी लंबाई बी और रिजल्टेंट की आर, तो आर की वैल्यू निकालिए। जरा सावधान, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दूं ऐसे, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दूं सी डी, ये बी था, तो देखिए ये 90 डिग्री एंगल हो गया, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ए डी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसमें हमको सभी साइड्स मालूम हो जाएं तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यही तो रिजल्टेंट आपका है। अच्छा इस ट्रायंगल में आओ जरा, इन ट्रायंगल बी डी सी, देखो ये थीटा है ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, अगर यहां पर कॉस थीटा लगा दे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन बी सी। हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेक्टर की बात यहां नहीं कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं, ए बी की लंबाई, ए का मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं। तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया, बी डी की लंबाई मुझे मालूम नहीं था और बी डी की लंबाई बी है, इस पर वेक्टर नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, तो यहां से बी डी की वैल्यू क्या निकली, बी कॉस थीटा, ये हमको बी डी मिल गया। अब इसमें अगर मैं साइन थीटा लगा देता तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि सी डी अपान बी सी होता है, सी डी अपान बी सी,
साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी की लंबाई मालूम नहीं और बी सी फिर भी है, तो सी डी की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, बी साइन थीटा। मुझे ये साइड मालूम हो गई, ये वाली साइड, और मुझको ये साइड मालूम हो गई। अब आप ये ट्रायंगल पूरा ले लीजिएगा ए बी ए डी सी और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल डी 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई हो सकती है। आप पाइथागोरस पढ़ चुके हैं, क्या होती है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम मुझे ए डी की लंबाई पूरी नहीं मालूम, हाँ ए बी की लंबाई मालूम है ए, और बी डी की निकाल चुके हैं आप बी कॉस थीटा, तो ए डी को हम लिखेंगे ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस, और सी डी को क्या लिखेंगे, सी डी को बाद में वैल्यू रखते हैं, सी डी तो मालूम है। देखिए अब वैल्यू रखते हैं हम, ये ट्रायंगल ला चल रहा है, देखिए एसी की लंबाई क्या है आर, आर लिख रहा हूं मैं, वेक्टर नहीं चढ़ा रहा हूं, तो आर का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की लंबाई क्या है ए प्लस बी डी की लंबाई क्या है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर प्लस सी डी की लंबाई क्या है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा टू द होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल दिया जाए और बस रिजल्टेंट की वैल्यू आपको मिल गई, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको इसको देखो, देख रहे हैं, अगर मैं इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लेता तो क्या बचता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज वन, तो हम ए स्क्वायर और इसमें से बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ये वन हो गया, तो बचेगा क्या प्लस टू ए बी कॉस थीटा दैट इज आर स्क्वायर, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट का फार्मूला हो गया। ये क्या निकला है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकला है, वैल्यू निकली है, डायरेक्शन भी तो चाहिए ना, तो मैंने कहा रिजल्टेंट ए बी के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो अगर मैं इसी ट्रायंगल में टेन अल्फा लगा देता तो क्या होता, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी सी डी अपान ए डी, सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी निकाल चुके हैं आप बी साइन थीटा, और ए डी कैसे है ए बी प्लस बी डी यानी ए प्लस बी कॉस थीटा, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे अल्फा निकाल लेंगे, तो इस प्रकार से रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकाल ली और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, किस नियम से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, समझ आ गया होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद करेंगे कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 5 और 4 है, हमने कहा दो वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड 5 है, तो ए को 5 मानेंगे बी को 4 मानेंगे, उनके बीच एंगल थीटा को मान लिया 30 डिग्री और कहा रिजल्टेंट निकालो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 30, बस लगा देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका ट्रायंगल लॉ हो गया। अब अगर इसी फार्मूले को हम पैरेललोग्राम लॉ से करें तो पैरेललोग्राम लॉ को लास्ट में हम ट्रायंगल लॉ में कन्वर्ट कर देंगे प्रूफ करने के लिए, समझिएगा। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स को दो किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, एडजेसेंट साइड्स मिली हुई साइड्स, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो उसी पॉइंट से खींचा गया जो डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है वो बताता है। देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, सेकंड नियम पैरेललोग्राम लॉ। अब जरा कंफ्यूज मत होइएगा, वेक्टर एडिशन का जो पैरेललोग्राम लॉ हम बता चुके हैं वो ज्योमेट्रिकल मेथड से है, अब मैं मैथमेटिकली बात कर रहा हूं। देखिए ये पैरेललोग्राम था, पहले बना देते हैं, ये पैरेललोग्राम था ए बी सी डी, ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इस ए बी ने किसको रिप्रेजेंट किया, ए को रिप्रेजेंट किया,
बी एडी ने किसको किया, बी को रिप्रेजेंट किया, और ये रिजल्टेंट है, यही निकालना है आर, और ये इनके बीच का एंगल मैं थीटा मान चुका हूं पहले से ही, मैं इसी को लेके चल रहा हूं। देखिए अब आप आर कैसे निकालेंगे, जरा सावधान, अगर ये एडी बी है तो ये भी तो बी होगा ना, इसकी लंबाई भी बी होगी और ये एंगल भी थीटा होगा, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता सीई तो जरा देखिए ये चीज वही बन गई नहीं बन गई, अगर मैं इसको छुपा लूं तो ये ट्रायंगल वैसे ही तो बन गया ना, मैं कॉस थीटा लगाऊंगा तो बी निकल आएगा, साइन लगाऊंगा तो सी निकल आएगा, और पाइथागोरस इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो पैरेललोग्राम बनाने के बाद में एट लास्ट आप इसको ट्रायंगल ला के हिसाब से आर निकालेंगे, तो ये आर का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर दो वेक्टर को घटाना हो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, देखिए बात करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का घटाना कैसे होता जरा समझिएगा। वैसे तो सब्ट्रैक्शन का मतलब ही कुछ नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है, देखिए मैं आपसे कहूं 2 माइनस 3, आप कहेंगे एक्चुअली ये है 2 प्लस माइनस 3, बस यही करना है आपको। एक ए वेक्टर है, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों का घटाना, हमने कहा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसकी जो भी लंबाई होगी वो आप देख लेंगे, लंबाई जो भी दी हुई होगी, और ये वेक्टर बी है जो हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं ये 30 डिग्री पे है मान लेते हैं, और हमने कहा ए माइनस बी करिए, तो आप कहेंगे एक्चुअली में मुझे करना क्या है, ए और माइनस बी को प्लस करना है। तरीका देखिए, पहले ए को खींच दीजिए, खींच दिया आपने, इसके बाद ए का जहां पर हेड खत्म होता है वहां से बी की टेल स्टार्ट होगी, ठीक है स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए ये 30 डिग्री एंगल पे बी को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे तो स्केल बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, लेकिन आप इसको ऐसे ना बना करके इसको ऐसे उल्टा बना देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का बी, ये वाली लाइन नहीं खींच करके उल्टा खींच देंगे, एंगल यही होगा, अगर ये एंगल देखेंगे तो ये 30 होगा, ये भी 30 आएगा, तो ये पहले का हेड और टेल और लास्ट वाली की हेड, ये रिजल्टेंट होगा आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, लंबाई वही निकलेगी जो ए प्लस बी की निकलेगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये दो वेक्टरों को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है। एक चीज और देख लेते हैं फिर इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। देखिए हमने अभी कहा दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, थीटा एंगल पे सॉरी काम कर रहे हैं, तो उनके रिजल्टेंट का फार्मूला एक नोट करके आप इसको देख लेंगे। देखिए रिजल्टेंट का फार्मूला बताया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर पहली बात हम मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहते हैं, फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम आर अधिकतम वैल्यू चाहते हैं, तो कैसे होगा, सिंपल सा लॉजिक लगाइए, एक वेक्टर एक बॉडी को ऐसे खींचिए और एक आदमी और उसी डायरेक्शन में खींचेगा तो ज्यादा तेजी से खींचेगा, तो इसके लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू अधिकतम होती है, वैसे भी अधिकतम होती है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू आएगा ए प्लस बी। मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनका जो वैल्यू है जो मैथमेटिकल की बात कर रहा हूं। अब दूसरा केस फॉर मिनिमम आर, अगर मैं बात करूं फॉर आर मिनिमम, फॉर मिनिमम आर मतलब मिनिमम वैल्यू कैसे होगी, एक बॉडी को ऐसे खींचिए एक को ऐसे खींचिए, दोनों अपोजिट खींचिए, तो यहां मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी इसके लिए थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, वैसे भी कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती, दैट इज मिनिमम वैल्यू, तो ये तो आपका निकलेगा आर मैक्स, इसको लिख सकते हैं आर मैक्स, तो यहां निकलेगा आर मिन, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
180 डिग्री की वैल्यू माइनस वन होती है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r मिनिमम, ये स्क्वायर है, r मिनिमम क्या निकलेगा, a माइनस बी। तो इस प्रकार से इस कंसेप्ट को करेंगे। ये वेक्टरों को जोड़ा है, माइनस करना है, इसका कोई खास एग्जाम में कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। कभी कभी कोई न्यूमेरिकल आएगा, वहां पर प्लस माइनस करना है। मान लिया कोई बॉडी ऐसे चल रही है, ठीक है, कभी यहाँ वेलासिटी v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v1 है, यहाँ v2 है, और आपसे कहा चेंज इन वेलासिटी निकालो v2 माइनस v1, तो फिर वहाँ वेक्टर एडिशन से या वेक्टर सब्ट्रैक्शन से निकालेंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद की वीडियो में मैं आगे बात करूँगा। वेक्टर थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि फिजिक्स में हल्का फुल्का पढ़ रहे हो, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका बहुत ब्रॉड स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।